कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए वालिद से मिलने को बेताब बच्ची से एएसएफ ऑफिसर का नारवा सलूक। बाप की जानेब लपकती बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। बच्ची रोते हुए बेबस बाप के पास गई। एएसएफ हुकाम का कहना है कि वाकया एएसएफ अफसर का इनफरादी अमल है, मुतालिका अफसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तारिक अबुल हसन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अब इस वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी इस अहलकार के खिलाफ? जी, ये इस वक्त ये जो वीडियो वायरल हुई है ये यकीनी तौर पर कराची एयरपोर्ट की है, लेकिन इसके ऊपर दिन और वक्त का तायुन नहीं है। एएसएफ हुकाम का कहना है कि ये एक पुरानी वीडियो है और ताहम वो इसे वाकये की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं और इस वाकये में जो मुलविस है वो कोई गैर तरबियत याफ्ता नौजवान एएसएफ एहलकार नहीं है बल्कि एक सीनियर ऑफिसर है जिसने इस बच्ची के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया है। और ये बच्ची जाहिर है कि अपने वालिद को जो कि एक साल भर की है उससे ज्यादा जो है वो बैरून मुल्क काम करने के बाद वापस छुट्टी पर वतन पहुंचे हैं, तो एक बच्ची बहुत बेताबी के साथ अपने वालिद से मिलने के लिए गई है। वो लाउंज के अंदर भी दाखिल नहीं हुई है, वो बाहर जो वेटिंग एरिया है वहां मौजूद है, लेकिन ये बच्ची जैसे ही आगे बढ़ती है तो इंतहाई बेदर्दी के साथ एएसएफ के ऑफिसर ने बच्ची को बालों से पकड़ा और उठा के एक तरफ फेंक दिया। और फिर जो दूसरे एएसएफ एहलकार वहां मौजूद है उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी कि अच्छा चले कोई गलती हो गई है बच्ची को उठने में मदद दें। और उसके बाद अब देखना ही है कि जी कार्रवाई से मुताल्लिक बताइए कोई की गई। एएसएफ ने अभी तक ये तो नहीं बताया कि उस एहलकार के खिलाफ उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्या की गई है। तहम उन्होंने कहा कि ये पुरानी वीडियो है और हमने मुनासिब कार्रवाई की है, लेकिन ये नहीं बताया कि अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन।